मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम हमारी जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो करेंगे। आज हमारी सेकंड वीडियो है, पार्ट हमने वन हमने कल कर लिया था। जो बाकी का चैप्टर है आज हम कंप्लीट करेंगे। हमने कल क्या किया था उसके मेन पॉइंट्स अभी एक बार फिर दोबारा उनको रिवाइज करवा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा कि जो सबसे पहले लोग थे रिवर नर्मदा के जो बैंक्स हैं उसके आसपास लोग रहने लग गए। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो रिवर्स के अराउंड सेटल होते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे वो? क्या क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था, तो वो अपनी वेरियस नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी करते थे तो वो पानी तलाशते थे, और पानी को उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट नीड थी। वो काम क्या करते थे? वे स्किल्ड हंटर और गैदर्स थे। वे पेड़ों से फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलेक्ट करते थे तथा एनिमल्स को हंट करते थे और उसे खा जाते थे, और बाकी जो बचता था तो वो अपना फूड इकट्ठा करते थे। जैसे जैसे फिर टाइम चेंज हुआ तो ऐसे ही वो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक ही जगह रहकर या जैसे वो एक ही जगह रुक कर अब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया और एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया। रीयरिंग एंड दे रीयरिंग एनिमल्स। रीयरिंग एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल्स को पालना। जैसे उन्होंने गॉट, शीप, काओ एंड कैटल जैसे उन लोगों ने पालना शुरू कर दिया। सबसे पहले जैसे हमारे क्वेश्चन बन रहा है, 8,000 साल पहले उन्होंने क्या स्टार्ट किया, वहाँ पर क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। कितने हजार साल पहले? 8,000 साल पहले। सबसे पहले उन लोगों ने क्या उगाया? व्हीट एंड बार्ले, ये दो क्रॉप्स हैं जो उन्होंने सबसे पहले उगाना शुरू किया। और उसके बाद उन लोगों ने जो एनिमल्स हैं उनको पालना शुरू किया। कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे? जैसे शीप, गॉट एंड कैटल, इनको पालना शुरू किया। सुलेमान व किर्थर हिल्स हैं जो नॉर्थ वेस्ट में है, वहाँ सबसे पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाना लगभग 8,000 साल पहले शुरू कर दिया था। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर भी लोगों ने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा ये मैप है, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ ये गारो हिल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर भी लोगों ने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जो हमारे फिर सेंट्रल इंडिया है जहाँ पर विंध्यास रेंज है, इसके नॉर्थ जो हिस्सा है वहाँ पर सबसे पहले राइस को उगाना शुरू किया था। जैसा कि आप अभी मैप में देख रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने इस जगह पर राइस को उगाना शुरू किया। जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ तो लोगों ने जैसे क्रॉप्स को उगाना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले अब सिटीज़ भी बस गई यहाँ पर। कहाँ पर सिटीज़? जो इंडस है, हमारी रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहाँ पर अब लोगों ने सिटीज़ को बसाना शुरू कर दिया, वहाँ सिटीज़ बसनी शुरू हो गई। कहाँ पर? इंडस और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पर। अब क्वेश्चन ये उठता है, ट्रिब्यूटरीज होता क्या है? ट्रिब्यूटरीज हम उन छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं जो आगे जाकर बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे कि ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर। छोटी छोटी नदियां जो बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं इनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 4,700 साल पहले की, लेकिन अब हम 2,500 साल पहले की बात करते हैं, जहाँ पर जो हमारी गंगा रिवर है और उसकी सहायक नदी है, जिस जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है जिसको हम सोन कहते हैं, उसके आसपास अब सिटीज़ बसनी शुरू हो गई। जो गंगा की सोन नदी है, गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरी है, सॉरी गंगा की जो सहायक नदी है जो सोन है, उसके किनारे पर जहाँ पे मगध किंगडम बस गया था, ठीक है, जो आज प्रेजेंट इंडिया में कहाँ पर है, ये बिहार में इंक्लूड है। तो फिर सिटीज़ तो बन गई थी, तो अब किंगडम बनने लग गए और फिर लोग राजा बन गए और अपने अपने किंगडम भी उन लोगों ने बना लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल देन? लोग उस टाइम क्यों ट्रैवल करते थे? जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे फॉर लाइवलीहुड, मतलब सिटीज तो बनने लग गई थी तो उनको नीड थी, दे नीड फॉर मनी,
देयर लाइफ टू सर्वाइव देयर लाइफ, दे नीड मनी फॉर देयर लाइफ, उनको मनी चाहिए थी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, कॉन्कर अदर लैंड्स। वो उनको जैसे विजय हासिल करनी थी तो एक आर्मीज भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, दूसरे जो लैंड्स हैं उनको जीतने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जो भी प्राकृतिक आपदा है उससे बचने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, जैसे कोई बाढ़ आ गई या फिर जहाँ सूखा पड़ गया तो लोगों के लिए वहाँ मुश्किल था रहना, तो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे। फॉर ट्रेड, व्यापार करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर होते थे वो भी ट्रैवल करते थे टू प्रेच देयर टीचिंग्स, जो उनकी धर्म का उपचार करते थे वो लोग भी। दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर एडवेंचर एंड डिस्कवरी, जो लोग थे एक जगह से दूसरी जगह है एडवेंचर के लिए और टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड के लिए भी ट्रैवल करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ ए डेज, आजकल लोग क्यों यात्राएं करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जैसे पहाड़ियां, पर्वत और जो समुंदर है इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर जिन्होंने ऐसा चाहा कि वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके, और वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, जो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक जो परंपराओं हैं उन लोगों को समृद्ध किया, और कई वर्षों से जैसे फिर 100 वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। नेम्स ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जो है देखो हमारे देश का नाम जो इंडिया है, जो भारत है, जैसे हम इसका नाम का प्रयोग करते हैं, ये आया कहाँ से है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आप अपने जैसे लगभग 2500 वर्ष पहले जो उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरान और यूनानियों ने ना सिंधु जो को सिंधु को सिंधु ने बोलकर उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग थी, इसको हिंदोस अथवा इंदोस बोला। तो जो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि थी, जो भी एरिया था, को लोगों ने उनको इंडिया कहा। तो उन लोगों को इंडस अच्छे से नहीं बोलना आया, तो वो इंडोस को हिंडोस व इंडोस बुलाते थे, जो बाहर से आए थे, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग था, तो वो इंडिया बुलाने लग गए उस जगह को। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि भारत कहाँ से आया? ठीक है, इंडो से इंडिया आ गया, लेकिन भारत शब्द है वो कहाँ से आया? देखो जो भारत वर्ड है वो हमारी ऋग्वेद में मेंशन है, जो हमारी ये बुक है उसमें मेंशन है। ऋग्वेद क्या है? हमारी एक पुस्तक है, ठीक है, ऋग्वेद द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो संस्कृत में लिखी हुई है। डेटर इस वॉज यूज फॉर द कंट्री। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मैंशन इन द ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत। यह लगभग 3500 साल पहले लिखा गया है।
अब देखिए जो इतने वर्षों में इस जो मैन्युस्क्रिप्ट को कीड़ों ने बहुत कुछों को कीड़ों ने खा लिया, लेकिन कुछ नष्ट कर दी गई थी, फिर भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट आज भी उपलब्ध हैं। प्राय कहाँ मिलती है? ये मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती हैं। और जो ये पुस्तक है, इन पुस्तकों में क्या क्या होता है? इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों जैसे राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के टॉपिक्स पर इनमें चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त इसमें हमारे महाकाव्य कविताएं तथा नाटक भी हैं, जिसमें से जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि जो कुछ अलग है वो प्राकृतिक और तमिल में है। देखो मोस्टली संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे कुछ अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी लिखे हुए मिले हैं हमें। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हम इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। दिस आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शंस होती है ये कठोर जो सतह वाले है उस पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कब ठीक है, कभी कभी शासक लोग अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे तथा ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। और इसके अलावा जैसे कुछ लोग इस टाइप के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य जो स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब लड़ाइयाँ होती थी जिसमें जिसको विजय 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 मिलती थी तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट से तो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में मिली जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट पत्थर तथा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, जो बर्तन है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जैसे पत्थर की भी हो सकती हैं, पकी हुई मिट्टी तथा कुछ धातु की भी बनी हो सकती हैं, और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। जो पुरातत्व आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं तथा इनसे उनको हेल्प हो जाते कि लोग जो पास्ट में क्या खाते थे। जो भी वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, यदि अनके दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी। जो मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत यानी कि सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्हें कहते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत उनको इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन सोर्स की हेल्प से ही हम धीरे धीरे पास्ट का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं तथा आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी सोर्सेस का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जो पास्ट को जानने का प्रयास करते हैं। आगे है नेक्स्ट, वन पास्ट और मैनी। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा है, क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के इस अतीत के अलग अलग मायने थे। फॉर एग्जाम्पल पशुपालक अथवा कृषक का जीवन तथा राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग अलग था। जैसा कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग थे अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे कि आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं।
इसके अगेंस्ट जो शहरों में रहने वाले लोग हैं जो खाद्य आपूर्ति के लिए अपने अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के जो डिफरेंस है वो हमें पास्ट में भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का जो भी डिफरेंस है वह उस समय जो शासक थे अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा अन्य द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक तथा जो कृषक होते हैं, पशुपालक होते हैं, जैसे आम आदमी हो गया, अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखता है ना, क्योंकि वो राजा महाराजा होते थे। वे अपनी जो विजय, उनको विजय मिलती थी वो उनका लेखा जोखा रखते थे। लेकिन आम लोग, हमारा जो भी पास्ट होता है उसका लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। व्हाट डू डेट्स मीन? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई भी वर्ष बताओगे। उस वर्ष की गणना ईसाई धर्म है जो उसके प्रवर्तक है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे 2000 वर्ष कहने को का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से, जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो थी हैं उसको ईसा के जन्म से पहले बोला जाता है, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखो कि जो लेटर्स हैं विद डेट्स के साथ शो किए हुए हैं। BC का मतलब होता है BC यहाँ स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अभी जो CE है इज़ यूज इंस्टेड ऑफ AD, AD की जगह हम CE यूज़ कर सकते हैं, और BCE की जगह हम एंड BCE यूज़ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ BC की जगह हम BCE यूज़ करते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन ईरा एंड BCE मीन्स बिफोर कॉमन ईरा। वी यूज़ दिस टर्म्स बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन ईरा इज़ नाउ यूज इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, एंड समटाइम्स द लेटर BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज। ठीक है, ये हमने जो ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ से लेकर ये सिस्टम हमने अपनाया है, लगभग 200 वर्ष पहले शुरू किया है। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी हम इसके मेंस क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे स्टेज के ऊपर आए हैं। जैसे मगध है, ये सबसे पावरफुल किंगडम हो गया, और यह है मगध आज कहाँ है? मगध आज बिहार में है। लोग पहले ट्रैवल क्यों करते थे? फॉर लाइवलीहुड के लिए करते थे ट्रैवल। और पहले लोग ट्रैवल क्यों करते थे? टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर से, फॉर ट्रेड के लिए। रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल टू प्रीच देयर टीचिंग्स, एंड एडवेंचर एंड डिस्कवरी के लिए वो ट्रैवल करते थे। और लगभग 2500 वर्ष पहले जो सिटी सी डेवलप हुई ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अभी नेक्स्ट इस पेज के ऊपर है जो इंडिया है वो कहाँ से आया है? द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, एंड जो ऋग्वेद है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया संस्कृत भाषा में। और जो नेम भारत है वो कहाँ से आया? द नेम भारत वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, और इसको यह है ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट के यहाँ हमें डेफिनेशन दी गई है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो लैटिन वर्ड है मैन्यू, उसका मीनिंग होता है हैंड। और इस क्वेश्चन में हम मेन पॉइंट्स के करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट कर हो गया है हमारा। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर आपको अभी हम इसके बारे में, ठीक है, कंप्लीट हो गया है आपका। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।